क्या है ये पैशन के चढ़ा हो रहा है दोनों लेफ्ट साइड दोनों राइट साइड एक एक आदमी लेफ्ट और राइट आर्मी की तरह, इसलिए हम लोग को आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ रहा है। ये ट्रेनिंग हम लोग को पहले से इस तरह का होना चाहिए था, अब हो रहा है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेकिंग स्ट्रक्चर के लिए जैसे कोई जंगल में अगर कोई अचानक जैसे जानवर हमला कर दिए या फिर किसी तरह से किसी को चोट वोट लग गया तो वहाँ पे अगर कोई सुविधा नहीं हो गाड़ी वगैरह का तो कैसे ये त्रिपाल से या फिर बैग से या बेल्ट से स्ट्रक्चर बना करके उस पर लोड करके और मरीज को अच्छे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। के द्वारा किस तरह से जैसे कोई शिकारी किसी तरह अवैध कुछ लेकर के जा रहा है, जैसे जैसे किसी भी वन जीव को लेकर के जाता है या किसी तरह के खनन करके या पेड़ पौधों को लेकर के अवैध पातन करके लेके जाता है, तो मोबाइल चेक पोस्ट के द्वारा हम लोग को उसमें क्या होता है कि टीम बना करके किस तरह से उसको हम लोग को रोकना है और किस तरह से उसका हैंडल करना है उसके बारे में भी हम लोग को सिखाया गया कि हम लोग जिस तरह से नाइट में जब गश्ती हम लोग करते हैं तो उसमें किसी तरह कोई शिकारी नाइट में मिल गया या डे में मिल गया तो हम लोग ये किया, उन लोग का किसी भुनभुनाहट का आवाज़ आया तो हम लोग रॉ फॉलिंग लाइन के द्वारा किसी तरह जंगल में छिप जाना है और उसके बाद वो जैसे ही नज़दीक आया या उसके नज़दीक हम लोग गए तो हम लोग फिर एक स्मॉल टीम ऑपरेशन भी बताया गया जिसमें 12 पर्सन होते हैं और उसमें स्मॉल टीम ऑपरेशन के द्वारा शिकारी को ये एक हम लोगों के ट्रेनिंग हम लोग आयोजन कर रहे हैं 2 दिवसीय ट्रेनिंग। बेसिकली ये है हम लोगों को जो फॉरेस्ट का जो फ्रंटलाइन स्टाफ्स कहा जाता है जो अग्रिम पंक्ति बन करनी है उनको उन लोगों के जंगल में कैसे आपातकालीन में कैसे सुरक्षित कर निकालना, बाकी लोगों को बचाना या अपने भी कैसे खुद ही बचाना, प्लस कैसे हम लोगों का पेट्रोलिंग करना, इस तरह का जो विभिन्न तरह का जो इन लोगों के जानकारी के लिए एक जंगल ट्रेनिंग के रूप में हम लोग किया जा रहा है इसको। ये बेसिकली एक तमिलनाडु का एक एसटीएफ है उसके जो एक पुलिस पदाधिकारी का जो है उनके द्वारा ये ट्रेनिंग हम लोग किया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का जो सहयोग से वन विभाग का यहाँ पर टाइगर रिसर्च अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है ट्रेनिंग।